मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को किन्नौर में भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने किन्नौर के लोगों से भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। इस दौरान सांगला में उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद किन्नौर में पहली बार बोल रहे खुशाल सिंह ने कहा कि वे इस क्षेत्र की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं और चुन लिए जाने के बाद यहाँ के लोगों की जरूरतों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। किन्नौर की सीमा चीन के साथ लगती है। एक फौजी होने के नाते वे अच्छी तरह जानते हैं कि देश का सामरिक रूप से ताकतवर होना कितना जरूरी है और उन्हें गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत हुआ है कि आज कोई दुश्मन भारत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। खुशाल ठाकुर ने कहा कि देश की सीमाएं ही सुरक्षित नहीं हुई है बल्कि देश के अंदर भी आज हालात बेहतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब कोरोना का दौर आया तो पूरी दुनिया घुटनों पर आ गई मगर मोदी के नेतृत्व में देश ने कोरोना का डटकर मुकाबला किया और लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई गई। एक तो हिमाचल के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है जब एक लोकसभा का उपचुनाव और 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और कुल मिलाकर के लगभग 20 विधानसभा क्षेत्र जो है वो चुनाव के दौर में से गुजर रहे हैं। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हिमाचल प्रदेश में बनी है हर परीक्षा में हम सफल हुए हैं। हमने लोकसभा का चुनाव 2019 का पहला परीक्षा का दौर वो था, उसमें चारों सीटें जीती, 68 की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। उसके बाद 2 उपचुनाव हुए, धर्मशाला और पछात, दोनों उपचुनाव जीते। पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव जीते। नगर परिषद, नगर निगम और सारे जितने भी चुनाव हुए स्थानीय निकाय के, वो उसमें भी जीत हासिल की। कोविड का बहुत बड़ा दौर जो हमने पिछले 2 सालों से जिसको हम झेल रहे हैं, पूरी दुनिया झेल रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कड़ी परीक्षा हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार की थी। उसमें मैं उन्हें बेहतर काम करने की कोशिश की और आपने इस बात को भी देखा होगा, कोविड को मैनेज भी किया और मैनेज करने के साथ साथ में हिमाचल जैसे स्टेट में जहां भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन है वहां हमने सफलता हासिल की कि वैक्सीन का पहला डोज जो एलिजिबल हमारी कैटेगरी थी उसके लिए जो है पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल किया, उसमें भी हम सफल हुए। अभी यहाँ एक परीक्षा का दौर, ये उपचुनाव आ रहे हैं और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से उपचुनाव मंडी लोकसभा का भी जीतेंगे और उसके बाद 3 विधानसभा के उपचुनाव जो है उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित रूप से होगी। और जहाँ तक मंडी लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात कहें, आज हम किन्नौर में यहाँ आपके बीच में आए हैं और यहाँ ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर हमारे मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने फौजी होने के नाते, एक अधिकारी होने के नाते फौज में एक बहुत महत्वपूर्ण कारगिल का युद्ध में इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। कारगिल के युद्ध में विजय हासिल करने के लिए इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए इनको एक बार नहीं अनेक बार सारी चीज़ों को लेकर के अपने जीवन में सम्मानित होने का अवसर भी प्राप्त हुआ। ईमानदार आदमी और आर्मी का अधिकारी और कारगिल पर विजय करने वाला अधिकारी वो हमने इस चुनाव में उतारा है, तो मुझे पूरा भरोसा है हिमाचल प्रदेश की जनता पूरा सहयोग देगी और निश्चित रूप से इस लोकसभा को हम जीतेंगे। लोकसभा को 2 बार जीता और 4,05,000 वोटों से हमने जीता था इस लोकसभा को और अब की बार भी निश्चित रूप से जहां हिमाचल में भाजपा की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार, यहां के जितने भी उपचुनाव हैं ये चुनाव जीतेंगे। और किन्नौर के लिए विशेष तौर से जो हॉर्टिकल्चर में हमने एप्पल के लिए जो 50 करोड़ का एक प्रोजेक्ट की स्वीकृति ली है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है और ऐसे में किन्नौर का सेब जो है पूरे देश और पूरी दुनिया में अलग पहचान के साथ जाना जाता है उसमें और ज़्यादा हम आने वाले समय में हम काम करने की स्थिति में हो पाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा
जहां कांग्रेस के लोग हताश हैं, निराश हैं। चुनाव लड़ने के लिए प्रतिभा सिंह खुद ही कह रही थी कि वो तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनको झोंका गया है और उसके पीछे क्या राजनीति है उस पर मैं ज़्यादा भी नहीं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के नेता क्या करना चाह रहे हैं, क्या राजनीति है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि राजनीति में मंडी लोकसभा क्षेत्र में अब हालात बदले हुए हैं, परिस्थितियां बदली हुई हैं। पहले की मंडी और आज की मंडी लोकसभा में बहुत अंतर है। और यहाँ किन्नौर की अगर मैं बात कहूँ कि किन्नौर में भी जहाँ विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हमने इस विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत की और विकास को नहीं रुकने दिया और लगातार इस क्षेत्र को विकास की दृष्टि से सहयोग देते रहे हैं। अभी भी मेरा कार्यक्रम निर्धारित था यहाँ आने का, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उसी दिन आचार संहिता लगी, जिसके कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे उद्घाटन और शिलान्यास के लिए तैयार थे और बहुत सारे डेवलपमेंट की हमने यहाँ पर घोषणाएं करनी थी, वो बातें रह गई। उसके लिए हम चुनाव के साथ जो है ब्रिगेडियर साहब को साथ लेकर के सांसद के रूप में लेकर के आएंगे और फिर उसके बाद यहाँ के विकास की बात को आगे करेंगे। और हमारे साथ में पार्टी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष है, ये भी आर्मी बैकग्राउंड के हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग आर्मी के बैकग्राउंड के हो गए, तो इसलिए पूरा पार्टी जो है ऐसे लोग जो अपने जीवन में ईमानदारी से काम करते हुए पहचान बनाने में सफल हुए हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। इस दृष्टि से मंडी लोकसभा क्षेत्र से ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं तो निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे और शानदार जीत होगी। थैंक यू।